जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो का सब स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप रनिंग से पहले, दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे अगर आप रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो रनिंग की शुरुआत कहां से करना चाहिए, रोड पे करना चाहिए या फिर ग्राउंड में करना चाहिए, या फिर अगर आपने ग्राउंड पे किया तो आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है, रोड में अगर कर रहे हैं तो रोड में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और फर्स्ट दिन कितना दौड़ना चाहिए, फर्स्ट सप्ताह कितना दौड़ना चाहिए और किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आज इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो रनिंग कहां से शुरू करना चाहिए, रोड में शुरू करना चाहिए या फिर ग्राउंड में शुरू करना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो जिनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, आप एक बिगिनर हैं, रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आपका फर्स्ट दिन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट दिन क्या क्या करना चाहिए। रनिंग का जो फर्स्ट दिन होता है बहुत ही महत्व होता है। जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत टाइम आप जिस तरह से आप सीखेंगे वही सीखते जाएंगे। तो अगर शुरुआत में ही गलती हो जाए तो गलती हो जाए तो आप गलत ही तरीके से सीखोगे और आपका जो रनिंग स्पीड है बढ़ नहीं पाएगा और आपको दिक्कत आ सकती है। आपका कहीं सीन पेन करेगा या फिर कमर पेन करेगा या फिर कहीं और हाथ पाँव भी भर सकता है। तो आपका शुरुआत जो है, शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, ओपन के बारे में कि आपको रोड में दौड़ना चाहिए या फिर ग्राउंड में दौड़ना चाहिए अगर फर्स्ट दिन दौड़ रहे हैं तो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि रोड में दौड़ने से क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या आपको हानि हो सकता है। अगर आपने रोड में दौड़ा, फर्स्ट दिन अगर आपने रोड में दौड़ रहे हैं तो आपका जो पैर करने का लैंडिंग है, पैर करने का तरीका है, किसे लगाना है, किस तरह से दौड़ना है, तो आपको उसको सही तरीके से पता नहीं रहेगा। और आपको अगर पहले भी अगर आपने एक्सरसाइज किए हैं, अपने अगर रनिंग किया है पहले भी, तो आपका जो फर्स्ट दिन कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद छूट गया उसके बाद कर रहे हैं, आपका पैर का जो आदत होता है, दौड़ने का आदत, वो आपका कहीं ना कहीं छूट गया होगा, जिसके कारण आपका जो पैर का लैंडिंग अच्छे से नहीं होगा, जिसके कारण से आपका पैर दर्द कर सकता है, कमर में भी चोट लग सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड में, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि रोड में रनिंग ना करें फर्स्ट दिन। कम से कम एक सप्ताह आप ग्राउंड में रनिंग करें। ये जो ग्राउंड है ये मिट्टी वाला ग्राउंड होना चाहिए, इस तरह से मिट्टी वाला ग्राउंड होना चाहिए और ग्राउंड में रनिंग करना चाहिए। तो ग्राउंड में भी अगर रनिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट दिन ही क्या एक घंटा दौड़ना चाहिए, क्या पाँच मिनट दौड़ना चाहिए। फर्स्ट दिन अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे कम से कम 20 या 30 मिनट जरूर दौड़ें। और प्रॉपर रनिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट दिन स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग करने आने से पहले फ्रेश होकर ही आएँ। काहे के बाद आप देखिए, उसके बाद आपको फ्रेश होकर आने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट दौड़ें। उससे पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर कर लें। तो वार्म अप एक्सरसाइज क्या करना है नहीं करना है जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।